नमस्कार, राम राम सा खम्मा गणी। कई हाल चाल है जीवड़ा था का? आशा और उम्मीद करता हूँ कि मारा पढ़ाई का सगड़ा शौकीन जीवड़ा बढ़िया है, मस्त है और मजे में है। साथियों, नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती फाइनली साथियों इसका इंतजार अपना समाप्त हो चुका है, उसके ऊपर हम डिटेल से आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले साथियों, आप सभी को पता है 2021 में राजस्थान पुलिस SI सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई थी, उसमें लगभग 70-80% फर्जीवाड़ा हुआ, लोग फर्जी नौकरी लग गए। इतना ही नहीं, बहुत सारे लोग आज नौकरी कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि सर 2016 में या इससे पहले भी जो SI का पेपर हुआ था उनमें भी फर्जी लोग लगे हैं ज्यादातर। आज हम थानों में देखते हैं, अपनी शिकायत लेकर जाते हैं तो उनको कुछ होश ही नहीं है, ज्यादातर फर्जी बैठे हैं, खुद को कुछ पता अता पता नहीं है, जनता की क्या खाक सेवा करेंगे। तो कंडीशन खराब है। आप सभी को पता है किरोड़ी लाल जी जो मीणा है उन्होंने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है जिसमें लिखा है कि SI भर्ती रद्द करें और इसको दोबारा आयोजित करें। और भी कुछ युवा आपके जैसे जो बाहर हो चुके हैं भर्ती में फर्जीवाड़ा होने की वजह से, कुछ ऐसे हैं जो इन नेताओं के सपोर्ट के कारण बच रहे हैं, मंत्रियों के फर्जी मास्टर भी लगे हैं, फर्जी SI भी लगे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो, पूरी भर्ती को रद्द करने की मांग उठाई जा रही है। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने SI भर्ती 2021 को रद्द करने की मांग उठाई है। इसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और इसमें कहा है कि 2021 भर्ती में बड़ा स्तर पर घोटाला हुआ है, कुछ 859 में से 500 से अधिक अभ्यर्थी फर्जी पेपर लीक और डमी अभ्यर्थी के जरिए चयनित होकर थानादार बन चुके हैं, इन सबको निलंबित, अभी जो ट्रेनिंग सेंटर में है वहां से इनको निकाला जाए और इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, भर्ती वापस आयोजित करवाई जाए। मैं भी डबल इंजन की भजनलाल शर्मा की सरकार से निवेदन करता हूं कि इस भर्ती को रद्द करें, इसमें और जो नई भर्ती आने वाली है उसके पद जोड़कर एक नई भर्ती बड़े ज्यादा पदों पर आप निकाली जाए, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को यहाँ पर मौका मिल सके, जो मेहनत कर रहे हैं, जो गरीब किसान का और मजदूर का बेटा है वो नौकरी लग सके। इसके अलावा कुछ साथी जो बोल रहे थे कि सर कोई वैकेंसी गवर्नमेंट का तो भरोसा रहा नहीं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कोई परमानेंट जॉब बता दो, तो साथियों आपके लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में बड़ी स्तर पर भर्तियां भी चल रही है। एक भर्ती यहां पर गुजरात के भुज में चल रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा सैलरी गुजरात में मिलती है, भुज में चल रही है, जहां पर टोटल सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी नौकरी है, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है ये, साथियों गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड है, जहां पर टोटल 25,000 सैलरी आपको मिलेगी। जो भी साथी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। अपना ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, स्टडी एग्जाम एकेडमी, उसमें एक जॉब का ऑप्शन आएगा, उसमें आप फॉर्म लगा दें। इसके अलावा एक साथियों नया पॉइंट ओपन हुआ है और बहुत ही शानदार सुकून की नौकरी आपको चाहिए तो आप इसमें जरूर जाएं। ये पॉइंट है साथियों गुजरात के सूरत के पास में जगह है, चिकला गांव है वहां पर, देखो नवसारी के अंदर पास में ही है, यहाँ पर 8 घंटे की ड्यूटी है मात्र और महीने में 4 छुट्टी भी है, रहने की सुविधा बिल्कुल फ्री दी जा रही है। ये बहुत ही शानदार जो वैकेंसी निकल कर आई है, जहां पर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है, जहां पर 13,500 सैलरी मिल रही है, साथ में 2,000 रुपए PF के और आपको अलग मिलेंगे, रहना फ्री मिलेगा। यहाँ पर देखो हेड गार्ड की पोस्ट है, जहां पर 14,500 सैलरी है, सुपरवाइजर की 17,500 है, कंप्यूटर ऑपरेटर जिसको CCTV कैमरे वगैरह थोड़े बहुत चलाने आते हैं, कंप्यूटर का नॉलेज है, उसकी 17,000 प्लस सैलरी है, और सॉरी सुपरवाइजर की 17,000 है, कंप्यूटर ऑपरेटर की 18,500 है। इसके अलावा लड़कियों की भी है यहाँ पर, और सिक्योरिटी ऑफिसर की भी है यहाँ पर, ऑफिसर को 23,000 सैलरी मिल रही है, काफी अच्छी पोस्ट है, लगभग 200-300 आदमी यहाँ पर चाहिए कंपनी को, परमानेंट है, 10 साल बाद पेंशन भी है। तो जो भी मेरे युवा साथी इसमें इंटरेस्टेड है, जाना चाहते हैं यहाँ पर, वो स्टडी एग्जाम एकेडमी का ऐप डाउनलोड करके वहां पर जॉब का एक ऑप्शन आएगा, उसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर दें भाई, आपके पास कॉल कर दिया जाएगा। जिनके पास कॉल नहीं आया है वो साथी देर ही बनाए रखें, नई नई वैकेंसी हमारे पास आती रहती है और मैं आपको बताता रहूंगा। अब साथियों नगर पालिका सफाई कर्मी भर्ती, उससे पहले आज है भाई तेजादशमी, राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता वीर तेजा जी जिनका निर्वाण दिवस है। तेजादशमी पर प्रदेश के देश के सभी तेजा भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। साथियों सफाई कर्मी भर्ती इसको लेकर एक बड़ा बयान हमारे सामने निकल कर आया है, पहले आप स्क्रीन पर एक बार इसको देखें। सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जिसके लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे थे, कोशिश की है और कल दोपहर तक
सफाई कर्मचारी की भर्ती की विज्ञप्ति के आदेश जारी हो जाएंगे। इस सफाई कर्मचारी की भर्ती में सफाई कर्मचारियों के कर्मी भर्ती की पत्रावली, इस भर्ती के नियम, सारी चीजें व्यवस्थित ढंग से तैयार हो चुके हैं। इसका भर्ती का पूरा खाका तैयार हो चुका है। कल दोपहर तक बताया जा रहा है कि इसकी नई विज्ञप्ति यानी ऑनलाइन आवेदन की जारी हो जाएगी और उसके तहत आप सभी के ऑनलाइन फॉर्म में वापिस भरवाए जाएंगे। जिन लोगों ने पहले फॉर्म भर रखे हैं उन लोगों को वापिस फॉर्म नहीं भरना है, उन मेरे युवा साथियों को। बाकी जो नया फॉर्म भरना चाहते हैं वो भी अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, इस बार अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर बड़ा चेंजिंग किया गया है। आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो किसी स्कूल का है, कॉलेज का है, किसी पड़ोसी का बना लिया, किसी प्राइवेट फर्म का आपने ऐसे ही बनवा लिया, पैसे देकर बनवाई कई लोगों ने, तो उनके पैसे वेस्ट हो गए। आप उनसे पैसे अपने वापस ले लें, जिन्होंने फर्जी बनवाया पैसे लेकर उनको उनका अनुभव वापस पकड़ा दें, क्योंकि अब केवल नगरीय निकाय का अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। या जिसने सफाई कर्मी का नगरीय निकायों में यहाँ पर जिन्होंने काम किया है और जिन्होंने ठेकेदार से जिसका ठेका यहाँ पर था या सक्षम अधिकारियों का, वही अनुभव प्रमाण पत्र अब आपका मान्य किया जाएगा। देखो साथियों, ये एक प्रकार का बड़ा धोखा है। पहले पेपर माफिया कांग्रेस सरकार में फॉर्म भरवाए गए जहां पर हमने 500-600 रुपए फीस दी, 10 लाख फॉर्म भरे, सरकार के पास करोड़ों रुपए आ गए, और अब भर्ती में नियम चेंज कर दिए तो हमारे पैसे तो डूब गए, क्योंकि ज्यादातर लोग बाहर हो गए हैं। इसलिए आप लोगों को इसके ऊपर आवाज सख्त उठानी चाहिए, क्योंकि हमारे तो एक हम सोचते हैं कि क्या है, 500-600 रुपए गए, लेकिन उन दलालों के पास में जो ठेकेदार बने बैठे हैं इस देश के प्रदेश के, उनके पास करोड़ों चले गए। इसलिए ये एक प्रकार की धोखाधड़ी है युवाओं के साथ में। वो पैसा एक बड़ा स्कैम है, ऑनलाइन जॉब के नाम पर जो ठगी की गई है सरकार के द्वारा, ये बड़ा गंभीर विषय है। और सरकार युवाओं का पैसा, यदि आप उनका फॉर्म रिजेक्ट करते हैं तो सरकार खुद जिम्मेदार है, और बेरोजगार युवा साथियों के आप पैसे वापिस लौटाएं, नहीं तो युवा कोर्ट का यहाँ पर दरवाजा खटखटाएगा, न्यायपालिका में न्याय मांगेगा। साथियों, बहुत सारे मेरे युवा साथी मेरे पास बोल रहे हैं, सर नंद किशोर जी डंडोरिया है, उन्होंने नियम बदलवा लिए, वाल्मीकि समाज को ही लेंगे या वो खुद वहां पर लगे हुए हैं तो नगरीय निकाय अपने ठेकेदारों के, तो उनको अपनी कमाई करना है, अब वो नए अनुभव प्रमाण पत्र वहां से बनवा देंगे, ठेकेदारों के बनवा देंगे, नगरीय निकाय के अधिकारियों के बनवा देंगे, और उनको ही लेंगे जो उनके जानकार है, रिलेटिव है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा काम करने वाले लोग मिलेंगे तो 50,000 मिल जाएंगे, 50,000 या 20,000 से ज्यादा मिलेंगे नहीं, बाकी सब प्राइवेट वाले ही है, तो बाकी लोग तो अपने आप 8-9 लाख लोग तो वैसे ही बाहर हो गए भर्ती से। तो अब जो ठेकेदार बने बैठे हैं वो ठेकेदार अपने स्तर पर अनुभव बना के दे देंगे वहां के है, और अपने ही लोगों को भर्ती करवा देंगे, तो ये एक प्रकार का बड़े स्तर पर कमाई, उनकी कमाई खुल गई है, पैसे कमाने का जरिया उनका शुरू हो चुका है। इस प्रकार की बहुत सारी बातें सामने आ रही है। तो साथियों, अभी डबल इंजन की सरकार है और बड़ी तादाद, बड़ी जल्दी से कार्रवाई होती है। यदि कोई पैसे ले रहा है जॉब के नाम पर, भ्रष्टाचार कर रहा है, कोई रिश्वत ले रहा है, कुछ भी गड़बड़ी हो रही है, तो आपको यदि ऐसा लगता है कि कोई जॉब के नाम के पैसा ले रहा है, कुछ फर्जी अनुभव बनवा रहा है, तो आप उसकी तुरंत शिकायत करें SOG को, SEB को करें, ताकि एंटी करप्शन ब्यूरो, ताकि उनके ऊपर सख्त जल्द से जल्द कार्रवाई हो जाए। या कोई पुलिसकर्मी कहीं से रिश्वत ले रहा है, कहीं गुमराह कर रहा है, डरा रहा है, अपने पावर का मिसयूज कर रहा है, तो SEB की टीम है, SOG है, और ये हेल्पलाइन नंबर है, CM हेल्पलाइन नंबर है, उस पर आप तुरंत शिकायत करके उन लोगों का सही दिशा दिखाएं, ताकि ये लोग सुधर सके। और आपको क्या कहना है कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।